भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को कहा कि उनके कंधे की चोट का ऑपरेशन सफल रहा है, वह जल्द से जल्द मैदान में वापसी करने की कोशिश करेंगे। श्रेयस अय्यर पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे। उनका कंधा अपनी जगह से खिसक गया था, इसलिए वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 14वें सीजन यानी IPL 2021 से बाहर हो गए। श्रेयस अय्यर ने अपने कंधे की सर्जरी के सफल होने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ऑपरेशन सफल रहा है, मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ जल्द से जल्द वापसी करूंगा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। 26 साल के श्रेयस अय्यर पुणे में 23 मार्च को पहले वनडे के दौरान जोनी बेस्टो का शॉट रोकने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि वह दर्द से कराह रहे थे, उन्हें पकड़कर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। इस कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे मुकाबले भी नहीं खेल पाए थे। IPL में दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर 4 महीने तक बाहर रह सकते हैं। उन्होंने लंकासर के साथ भी अनुबंध किया है। हालांकि 23 जुलाई से शुरू होने वाले वनडे टूर्नामेंट में उनके इंग्लिश काउंटी टीम की तरफ से खेलने की संभावना नहीं है। श्रेयस अय्यर की जगह दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को अपना कप्तान नियुक्त किया है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने ट्वीट कर श्रेयस अय्यर के IPL 2021 से बाहर होने की पुष्टि की थी। उन्होंने श्रेयस अय्यर के चोट को लेकर दुख जताया था और जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में देश को आपकी बहुत जरूरत है। खबरों की माने तो IPL में नहीं खेलने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को इस सीजन की पूरी सैलरी देगी। खबरों के मुताबिक पिछले साल IPL के दौरान भी श्रेयस अय्यर का कंधा चोटिल हुआ था। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उनको कंधे में तकलीफ का सामना करना पड़ा था। श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया स्वदेश लौटने के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब करने के लिए कुछ वक्त गुजारा था।